डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और उसके फर्स्ट फोर क्वेश्चन नंबर वन के फर्स्ट फोर पार्ट्स हम कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और जिन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस किया उनके लिए बाकी क्वेश्चन को समझना और सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। आप जो है इसकी प्रैक्टिस मजीद करें ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट हमने फर्स्ट से लेकर पार्ट फोर तक हमने किया था। पार्ट फाइव और सिक्स जो है वो मैंने स्किप किया है। पार्ट फाइव और सिक्स जो है वो बिल्कुल ये क्वेश्चन पार्ट सेवन और पार्ट एट की तरह ही है। फ़र्क ये होगा इन दोनों पार्ट में और लास्ट टू पार्ट्स में कि जहाँ पे लॉग की वैल्यू सिंगल वैल्यू जब नेगेटिव आ जाती है तो उसको हमने पॉजिटिव बनाना होता है हर हाल में, क्योंकि मैंटिसा हमने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम कुछ प्लस या माइनस करते हैं जो कि हम इन क्वेश्चन में डिटेल में बताएंगे। तो आपने इसको समझना ताकि लास्ट जो पार्ट्स हैं पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स वो आपको समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट सेवन जो है ये सॉल्व किया जा रहा है। पार्ट सेवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर 127 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 246। तो पहले हम लॉज अप्लाई करेंगे, 83 इंटू क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे, 92 की पावर 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह 127 इंटू फिफ्थ रूट को 1/5 लिख देंगे, 246 की पावर 1/5 आ जाएगी। अब हम फर्दर लॉ जो है वो यूज़ करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके ऊपर पावर है, तो लॉ जब अप्लाई करेंगे तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 83, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा और पावर जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगी 1/3 इंटू लॉग 92। और आगे क्योंकि ये वैल्यूज डिनोमिनेटर में है तो ये मल्टीप्लाई भी हो रही है, लेकिन जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग 127 माइनस, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस 1/5 लॉग 246 आ जाएगा। अब हम इसके जो है वो लॉग हर एक का लॉग फाइंड करेंगे। अब लॉग टेबल जो है वो कंसल्ट करने का तरीका आपको डिटेल में बताया जा चुका है, मजीद मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले जो है वो करेक्टरिस्टिक देखना होता है गिवन वैल्यू का। तो ये 83 है क्योंकि ग्रेटर देन वन वैल्यू है, इसलिए इसका लॉग लॉग लेने से पहले करेक्टरिस्टिक आप देंगे। करेक्टरिस्टिक इसका आएगा क्योंकि टू डिजिट्स हैं, तो वन माइनस करेंगे ग्रेटर देन वन है तो वन इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। उसके बाद 83 के बाद क्योंकि थर्ड नंबर नहीं है इसलिए आप लॉग टेबल के फर्स्ट कॉलम में जाएंगे, वहाँ पर 83 को देखेंगे और 83 के सामने जीरो के नीचे, क्योंकि नेक्स्ट नंबर नहीं है इसलिए आप जीरो में कंसल्ट करेंगे, 83 के सामने जीरो के नीचे वैल्यू आएगी इसकी 9191 आ जाएगी। तो इस तरह इसका लॉग वैल्यू जो है 1.9191 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू की तरफ जाएंगे, ये 92 है इसका जब लॉग लेंगे तो आप लॉग टेबल में 92 देखेंगे, उसके बाद थर्ड वैल्यू नहीं है इसके जीरो के नीचे आप देखेंगे, तो 92 के सामने और जीरो के नीचे आप जब इसका मैंटिसा देखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.6546। लेकिन इससे पहले करेक्टरिस्टिक क्योंकि ये वन से ग्रेटर वैल्यू है तो वन से जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसका करेक्टरिस्टिक जो है नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन करेंगे, तो टू डिजिट्स हैं वन माइनस करेंगे तो वन इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इस तरह ये 1.9638 आ जाएगा और ये 1/3 जो है ये डिवाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे माइनस, और सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक लेंगे क्योंकि ये ग्रेटर देन वन वैल्यू 127 है, तो 127 में थ्री डिजिट्स हैं और ग्रेटर देन वन वैल्यू है, तो इसका करेक्टरिस्टिक लेने का तरीका आपको बताया जा चुका है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस वन, तो थ्री माइनस वन टू, तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो टू आ जाएगा। और उसके बाद 127 है तो 12 को लॉग टेबल में 12 को 7 के नीचे, 12 के सामने और 7 के नीचे जब आप लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 391। तो इस तरह जो है आपके पास इसका नेक्स्ट जो वैल्यू आपकी ये करेक्टरिस्टिक 2 है और मैंटिसा 1038 आ जाएगा।
और इसी तरह जब हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे 1/5 log 246, तो 246 जो है वो 3 डिजिट्स हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 2 आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, तो 1 लेस करेंगे तो 2 करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। और उसके बाद 24 के सामने लॉग टेबल में 24 के सामने 6 के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके पास 391 आ जाएगा। और इस तरह जो है हम क्या करेंगे 1.9191 प्लस 1.9638 को 3 पे डिवाइड करेंगे, और इसी तरह माइनस 2.1038 एज इट इज होगा, उसके बाद 2.391 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद माइनस 0.4782 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो इस तरह आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, लॉग एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ गई माइनस 0.0083। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैंटीसा हमेशा हमने पॉजिटिव रखना है, तो मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए जो लास्ट पार्ट्स है यानी पार्ट नंबर 5 और 6 में भी आपने ऐसा ही करना है कि मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना है। तो मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए जितने यहाँ वैल्यू है उससे 1 इंक्रीज करके आपने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। हमेशा याद रखेंगे जब लॉग की वैल्यू सिंगल और नेगेटिव आ जाए तो इसको हमने पॉजिटिव ही बनाना है, और पॉजिटिव बनाने के लिए अगर यहाँ 0 है तो 1 ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो 2 ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लें, यहाँ 0 है तो 1 माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो 2 माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो 4 जो है वो प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ये बात हमेशा याद रखें क्योंकि बहुत अहम पॉइंट है, और पिछले 2 पार्ट में भी यही जो है आपको फंक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू की वजह से इसको आपने मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना है, तो क्योंकि 0 है तो माइनस 1 प्लस 1 करेंगे, माइनस 0.0083 आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और प्लस 1 में से ये नेगेटिव वैल्यू माइनस कर देंगे ताकि ये मैंटीसा पॉजिटिव हो जाए। मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 में से माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया 0.9917। अब क्योंकि मैंटीसा पॉजिटिव हो गया है और सिर्फ करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होता है, तो ये करेक्टरिस्टिक पे माइनस 1 आ जाएगा 0.9917। अब ये हमारे पास सिंगल वैल्यू आ गई लॉग की। अब हम क्या करेंगे, लॉग के बाद एंटी लॉग लेना है, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.9917 आ गया। अब आपको पता है कि जब इसका एंटी लॉग लेना है तो इसी तरह एंटी लॉग टेबल में हम जाएंगे और इसके फर्स्ट 2 वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम में यानी 0.99 को 99 के सामने 1 के नीचे, और फिर सामने 99 के सामने 7 के नीचे मीन डिफरेंस टेबल में कंसर्ट करेंगे तो हमारे पास टेबल वैल्यू जो आएगी वो 9811 आ जाएगी। अब ये यहाँ पर डेसिमल कैसे लगाना है, डेसिमल आप देखें क्योंकि ये माइनस 1 है, करैक्टरिस्टिक जो है इसका माइनस 1 है, तो हमने डेसिमल इस तरह से लगाना है कि करैक्टरिस्टिक जो है वो माइनस 1 शो हो। उसका तरीका क्या होगा कि जब हम लॉग लेते हैं, लॉग लेने से पहले करैक्टरिस्टिक लेते हैं, तो लेस देन 1 वैल्यू का करैक्टरिस्टिक कैसे लिया जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लस 1 करते थे। अब प्लस 1 नहीं करना, अब माइनस 1 आप करेंगे तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ गई, इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा और 0.9811 ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह अब पार्ट 8 की तरफ हम जाएंगे, पार्ट 8 भी बिल्कुल पार्ट 7 की तरह ही है, x is equal to 438 की पावर 3 into square root of 0.056 over 388 की पावर 4। अब इसी तरह taking log on both sides, क्योंकि ये पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 into log 438, अब ये स्केयर रूट है तो स्केयर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 पावर है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 into log 0.056 आ जाएगा।
इसी तरह क्योंकि ये डिनोमिनेटर भी है तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 इंटू लॉग 388 आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह टेबल कंसल्ट करेंगे, लॉग टेबल में जाएंगे, लॉग टेबल में 43 को देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, 43 और 8 के नीचे, 43 के सामने 8 के नीचे आपकी वैल्यू आ गई 0.6415 और इसका करेक्टरिस्टिक जो क्योंकि 3 डिजिट्स है तो 1 माइनस करेंगे तो करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक पहले करेक्टरिस्टिक लेना है फिर मैंडेशन लेना है तो 2.6415 आ जाएगा प्लस 1/2 इंटू पहले करेक्टरिस्टिक इसका देखें क्योंकि ये लेस देन 1 वैल्यू है तो लेस देन 1 वैल्यू का करेक्टरिस्टिक कैसे होता है, डेसिमल के फौरन बाद जितनी डिजिट्स 0 होंगी उसमें 1 ऐड करेंगे क्योंकि 1 0 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 लेकिन नेगेटिव होगा इसलिए ये -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। फिर क्योंकि हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे 56 है तो 56 के सामने लॉग टेबल में 56 के सामने 0 के नीचे आप देखेंगे तो 7482 इसका मैंटीसा आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, यहाँ भी 388 यानी ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू का करेक्टरिस्टिक बार बार मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 आ गया। फिर 38 के सामने लॉग टेबल में आप जाएंगे फर्स्ट कॉलम देखेंगे 38 के सामने और 8 के नीचे तो आप देखेंगे 5888 ये वैल्यू आपकी आ रही है तो 2.5888 आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को 2 से 2.5888 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 पॉइंट आपके पास 10.3552 आ जाएगा। अब ये -2 मैंने आपको बताया कि करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए करेक्टरिस्टिक को अलग कर दिया और मैंटीसा को अलग कर दिया। इनको जब हम डिवाइड करेंगे 2 पर, डिवाइड करने के बाद इनको ऐड करेंगे तो -1.2518 आ गया आपके पास। अब आप देखिए मज़ीद ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा और ये 2 पे डिवाइड होने के बाद इनको हमने सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई 2 -2 प्लस 0.7482 जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1.2518 आ गया। और इसके बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करने के बाद ये 0.6259 आ गया और ये वैल्यू एज इट इज आ गई दोनों। अब 7.9245 में से 0.6259 माइनस करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है -3.0566। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे 1 इंक्रीज करके आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है क्योंकि यहाँ पे -3 है तो इसलिए हम 4 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। 4 को जब माइनस और प्लस करेंगे तो आपका मैंटीसा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो -4 ऐसे रहने देंगे, +4 में से इसको माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये 0.9434 आ गया। अब ये मैंटीसा आपका पॉजिटिव हो गया, हमेशा मैंटीसा को पॉजिटिव बनाना है। यहाँ पर लॉग की वैल्यू में यहाँ अगर 0 है तो 1 प्लस या माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो 2 प्लस या माइनस करेंगे, यहाँ पे क्योंकि 3 है इसलिए हम 4 यानी 1 इंक्रीज करके लिखेंगे तो 4 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे मैट्रिक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो ये 0.9434 आ गया और माइनस किस पर है, सिर्फ 4 पर है तो -4.9434 आ गया। ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये -4 है इसका करेक्टरिस्टिक तो पहले आप एंटी लॉग टेबल में जाएंगे, एंटी लॉग टेबल में 0.94 फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, 94 के सामने 3 के नीचे वैल्यू देखेंगे और उसमें मीन डिफरेंस टेबल की वैल्यू यानी 4 के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो उसमें ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9434। अब क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर -4.9434 क्योंकि हमारे पास वैल्यू है लॉग की, इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.94 को 3 और 4 में देखेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 8778।
अब यहाँ पर ये जीरो कैसे आ गए और यहाँ पर डेसिमल कैसे आ गए, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक माइनस फोर है। करेक्टरिस्टिक माइनस फोर होने की वजह से क्यों हमें ये शो हो रहा है कि हमारी वैल्यू लेस देन वन है। लेस देन वन वैल्यू में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लस वन करते हैं। अब हमारे पास जितना करेक्टरिस्टिक होगा इसमें से वन लेस कर देंगे, जब वन लेस करेंगे तो ये थ्री हो जाएगा। तो हमने डेसिमल के फौरन बाद थ्री जीरोज लगानी है और उसके बाद 8778 को लिख देना है। तो इस तरह हमारे पास ये एंटी लॉग वैल्यू आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करेंगे। ये स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर पे मौजूद होंगे। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आप पे कायम रखे, हमेशा खुश व खुर्रम रखे। तो आपने पिछले जो लेक्चर है, कल वाला जो लेक्चर था, उसमें आपने एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 8 पार्ट्स, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो बाकी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसके इसमें कोशिश मैं करूँगा ज़्यादातर हिंट्स जो है वो आपको दे दूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लॉग ही अप्लाई करना है। लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे और एंटी लॉग ले लेंगे। तमाम क्वेश्चंस का प्रोसीजर एक ही है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसमें ज़्यादातर जो है हिंट्स देकर आपको बता दूं। और इसके लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज बिल्कुल जो है वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है और उसके क्वेश्चन जो है उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। और इस तरह आपका ये चैप्टर आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने रिव्यू एक्सरसाइज को ट्राई करनी है घर पे बैठकर। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप आएंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है, आसान है, मुश्किल नहीं है। अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV^N = C। फाइंड सी वैल्यू ऑफ सी व्हेन पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1, एन इज इक्वल टू 5/4। ये तमाम वैल्यूज गिवन है। आपने क्या करना है, इक्वेशन लेनी है। उस इक्वेशन आप ऐसे समझें कि जैसे वहाँ एक्स फाइंड करते थे, यहाँ पे आप सी फाइंड करेंगे। आप तो सी इज इक्वल टू PV^N और टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ सी यानी एक्स की जगह पे अब सी आ जाएगा। लॉग ऑफ सी इक्वल टू लॉग ऑफ पी, रूल अप्लाई करेंगे तो एन पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी एन इंटू लॉग बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे, तो लॉग सी, सी की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है इसलिए लॉग सी इज इक्वल टू पी की वैल्यू 80 है, तो 80 हम लिख देंगे। लॉग 80 प्लस एन की वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ पर 5/4 लिख देंगे इंटू लॉग वी। वी की वैल्यू हमें दी गई है 3.1, तो ये 3.1 लिखेंगे। अब बिल्कुल सारा जो है ये आपकी लॉग की फॉर्म आ गई। आप क्या करेंगे, इसी तरह लॉग टेबल कंसल्ट करेंगे, लॉग 80 फाइंड करेंगे, उसके बाद लॉग 3.1 फाइंड करके 5 से मल्टीप्लाई कर, लॉग 3.1 लेकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पर डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। उसका एंटी लॉग आपने ले लेना। तो मुश्किल नहीं है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इक्वेशन गिवन है, पी इज इक्वल टू 90 इंटू 5^-Q/10। यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि पी की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम पी की वैल्यू, ये स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, ये जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पी की वैल्यू गिवन है। तो पी इज इक्वल टू 18 है, इक्वल टू 90 इंटू 5^-Q/10। अब हम क्या करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग 18 इक्वल टू लॉग 90, क्योंकि ये पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यू ओवर 10 इंटू लॉग 5। अब क्या करेंगे, लॉग 18 माइनस लॉग 90, क्योंकि ये इधर राइट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो इसमें ट्रांसफर करने से इसकी साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 लॉग 5। अब ये 10 जो है इधर डिवाइड कर रहा है, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 इंटू लॉग 18 माइनस लॉग 90
इक्वल टू माइनस क्यू लॉग 5, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हो चुका है, 10 इंटू आप लॉग 18 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक पहले लेंगे, मेंटीसा लेंगे, और उसके बाद ये आ जाएगा लॉग 18 की वैल्यू 1.2553। अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहें तो डायरेक्ट आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 18 वैल्यू लिखेंगे और आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी, आपको करेक्टरिस्टिक का मेंटीसा अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह माइनस लॉग 90, आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 90 प्रेस करेंगे, आपके पास डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी 1.9542। इक्वल टू माइनस क्यू लॉग 5, अगर आप टेबल कंसल्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि लॉग 5 नहीं होगा बल्कि 50 को जीरो में देखेंगे, अगर सिंगल वैल्यू तो उसके साथ जीरो लगा के उसको आप कंसल्ट करेंगे, 50 को जीरो के नीचे देखेंगे, 50 के सामने जीरो के नीचे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और करेक्टरिस्टिक इसका जीरो होगा 0.6990। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी -6.989। जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉइंट -6.989 आ जाएगा और -Q.6690 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी और 6.989 को हम 0.990 भी लिख सकते हैं, तो 6.90990 इसको डिवाइड करेंगे 0.6990 पर। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो है आपके पास आंसर क्यू का आ जाएगा और वो इक्वल टू 10 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन पाई आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, पाई की वैल्यू ये वैसे भी कॉन्स्टेंट है और फिक्स वैल्यू होती है 22/7, तो इसकी वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, वो 15 है, ये स्टेटमेंट में गिवन है वैल्यू। उन्होंने कहा कि ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ए लॉग 22/7 प्लस 2 इंटू लॉग आर, आर की वैल्यू 15 है, अब इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 22 माइनस लॉग 7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसलिए यह माइनस आ जाएगा माइनस लॉग 7 और प्लस 2 इंटू लॉग 15। आपने क्या करना है कि लॉग 22 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, लॉग 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग 15 की वैल्यू फाइंड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से इसको प्लस माइनस करने के बाद आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी सिंगल और फिर एंटी लॉग ले लेना है। तो इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा है, इसके बाकी पार्ट स्टेप जो है वो आप खुद करेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है आ रहे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बी की वैल्यू बी दिया गया है, बी इज इक्वल टू 1/3 πr² h, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू आर की वैल्यू 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर इंटू h, h की वैल्यू गिवन है 4.2, ये स्टेटमेंट में ये वैल्यूज गिवन है, तो आपने क्या करना है इस पे लॉग अप्लाई करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग v इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस लॉग 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इसलिए ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस लॉग 3 और प्लस लॉग 22 माइनस, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसलिए माइनस लॉग 7 और प्लस 2 पावर है तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई करेगी और 2 इंटू लॉग 2.5 आ जाएगा, तो लॉग 2 इंटू 2.5 उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रही है 4.2, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा प्लस लॉग 4.2।